नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के डेली करंट अफेयर क्विज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। किस क्रिकेट टीम ने विश्व टेस्ट चैंपियंस का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, वेस्ट इंडीज या श्रीलंका? तो इसमें आपका विकल्प ए सही है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंच ओपन फाइनल में जीत के साथ पुरुषों का रिकॉर्ड 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर या एंडी मरे? तो दूसरे का विकल्प बी सही है, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना 2023 शुरू की है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? तो तीसरे का विकल्प डी सही है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 2023 जून 2023 के किस दिन मनाया गया है? 10 जून, 11 जून, 12 जून या 13 जून? तो चौथे का विकल्प सी सही है, 12 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी के सत्याग्रह के 130वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में दक्षिण अफ्रीका में डर्बन बंदरगाह के लिए कौन सा युद्धपोत रवाना हुआ है? INS त्रिशूल, INS त्रिकांड, INS तलवार या INS तबर? तो पांचवें का विकल्प ए सही है, INS त्रिशूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का निर्माण किया है? जापान, चीन, इजराइल या भारत? तो इसमें छठे में आपका विकल्प बी सही है, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रुपिंदर सिंह, सौरभ गर्ग, अमित अग्रवाल या नंदन नीलेकणी? तो सातवें का विकल्प सी सही है, अमित अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? मोहन एस अनंत, विनीत जोशी, सुबोध कुमार सिंह या हरीश सेठी? तो आठवें का विकल्प सी सही है, सुबोध कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फटा किला हुआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? अलास्का, कैनेडा, टेक्सस या हवाई? तो नौवें का विकल्प डी सही है, हवाई। हवाई में अभी हाल ही में ज्वालामुखी फटा है। अगला क्वेश्चन। 2021 से 2025 तक कोयला और लिग्नाइट योजना की खोज का परिव्यय कितना है? 2250 करोड़ रुपए, 3652 करोड़ रुपए, 2980 करोड़ रुपए या 4510 करोड़ रुपए? तो इसमें दसवें में आपका विकल्प सी सही है, 2980 करोड़ रुपए। ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।